हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम देखने वाले हैं गर्भ में लड़का होने के लक्षण। तो चलिए हम लड़का होने के लक्षण स्टार्ट करते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर से गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो उन्हें लड़का होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये बहुत पुराना लक्षण है, अभी का लक्षण नहीं है, ये बहुत पुराना लक्षण है। अगर से ये आप में दिखता है तो आप अनुमान लगा सकती है कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो एक पुत्र है। और फ्रेंड, जो दूसरा लक्षण है, इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप हमारे वीडियो देखते रहेंगे। और मेरे दो बेबी हैं और दोनों भी बेबी के टाइम पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी के भी टिप्स इस वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गर्भ में लड़का होने के लक्षण। और फ्रेंड, दूसरा लक्षण है ये, अगर से गर्भवती महिला के हेयर ग्रोथ जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा उन्हें डार्क और काले बाल आने लगे और ग्रोथ भी इस तरह जाड़े होने लगे, बाल बहुत तेज़ी से मोटे होने लगे और जाड़े होने लगे और बहुत तेज़ी से गर्भवती महिला के बाल जो है वो बढ़ने लगे। अगर से ये लक्षण आपको दिखते हैं गर्भावस्था के दौरान तो आप इससे भी अनुमान लगा सकती हैं कि घर में जो पल रहा शिशु है वो एक बेबी बॉय है। और ये दादा दादी बनाते थे, दादी ने और नानी, ये जो बड़े बुजुर्ग होते थे वही ये लक्षण हमें बताते हैं। और अब हम देखेंगे नाभि से, नाभि को भी जान देख के पता लगा सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। अगर से गर्भवती महिला की नाभि जो है वो बाहर की ओर है, अंदर की ओर ढकी नहीं है, वो बाहर की ओर है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो एक पुत्र है, एक बेटा होने वाला है। अगर से आप में ये लक्षण दिखते हैं तो आप इस तरह का अनुमान लगा सकती हैं। और फ्रेंड, आपको गर्भावस्था के दौरान कुछ प्रॉब्लम जाती है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स भी अवेलेबल करवा दूँगी, बट आपको कुछ प्रॉब्लम जाती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हम आगे लक्षण देखेंगे। लेकिन आपको अगर से गर्भावस्था महिला में आप कुछ और अपना योगदान करना चाहती है तो आप उस तरह से भी कर सकती हैं। और फ्रेंड, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकती हैं। और फ्रेंड, अगर से गर्भवती महिला को टमाटर खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, टमाटर खाना पसंद आता है, तो उन्हें आप अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो एक बेटा है, एक पुत्र है। आप इस तरह का अनुमान लगा सकती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं।